हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग मुल्तानी मिट्टी सोप बनाएंगे। सो बेसिकली ये सोप आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपकी स्किन को डीप क्लेंस करेगी। ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगी, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरह के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन को कम्प्लीटली रिमूव कर आपके स्किन टोन को भी इवन बनाएगी। ये आपकी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल भी बनाएगी। ये आपके एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक कर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल भी बनाएगी। ये आपकी एक्ने और पिंपल्स को तो क्योर करेगी ही, साथ ही गर्मियों में होने वाली घमोरी यानी कि हीट रैश की प्रॉब्लम को भी एकदम दूर कर देगी। तो आइए इस अमेजिंग सोप को बनाना शुरू करते हैं। मुल्तानी मिट्टी सोप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बोल में ये 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेंगे। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन पर एज अ क्लेंजर का काम करती है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारी स्किन को डीप क्लेंस करती है। ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को तो क्योर करती ही है, साथ ही गर्मियों में हमारी सन डैमेज स्किन और हीट रैश की प्रॉब्लम को भी एकदम दूर कर देती है। तो अब हम इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने मुल्तानी मिट्टी को पानी में अच्छे से घोल लिया है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल ऐड करेंगे। बादाम का तेल हमारी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और साथ ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 7 ड्रॉप वाइटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। वाइटामिन ई ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, साथ ही हमारे एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक कर हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल भी बनाता है। और अब हम लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप्स ट्री टी एसेंशियल ऑयल ऐड कर देंगे। ट्री टी एसेंशियल ऑयल हमारी स्किन पर से किसी भी तरह के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और साथ ही हमारी स्किन पर किसी भी तरह के इन्फेक्शन जैसे कि एक्जिमा और सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम को भी एकदम दूर कर देता है। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हमारा मुल्तानी मिट्टी का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट मैंने 60 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप बेस ले लिया है। तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट करेंगे। आप चाहें तो यह सोप बेस को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, उससे भी सोप बहुत ईजिली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट सोप को सेट करने के लिए मैंने एक सिलिकॉन का सोप मोल्ड लिया है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट एक भगोने में मैंने पानी ले लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें इस तरह एक पैन रखेंगे और इसमें यह कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यह सोप बेस को मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि आपको इसको डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें मुल्तानी मिट्टी का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि मिक्सर डालने के बाद हमें इसे बहुत देर तक नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो यह मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देखिए हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्सर को तुरंत ही सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। इस स्टेप को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सोप बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो यह मैंने मिक्सचर को सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो यह लगभग 1 घंटे बाद मैंने सोप मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। हमारी सोप भी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे इस तरह डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप कितनी ईजिली बाहर निकल आई है और कितनी स्मूथ बनी है। ये मुल्तानी मिट्टी सोप आपकी स्किन को डीप क्लेंस करेगी। गर्मियों में होने वाले आपके एक्ने, पिंपल्स और घमोरियों की समस्या को भी दूर करेगी। ये आपकी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करेगी। ये आपके स्कार्स और ब्लेमिशेस को रिड्यूस करेगी। ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को तो इम्प्रूव करेगी ही, साथ ही आपको आपकी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल भी फील होने लगेगी।
तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।